वो खामोशी से उसके नजदीक गई और उसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर आ जाने पर वो उसे काटने लगी। वो हाथी को काटती रही जब तक कि वो जाग नहीं गया और वो दर्द में चिल्लाने लगा। ओ, ओ, कौन है? मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चीटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही, बाहर नहीं आई। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था, वो रोने लगा। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मेहरबानी करो, कौन है वहाँ? बाहर निकलो। चींटी ने हाथी का रोना सुना और उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस अदना चींटी को देखकर सकते में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि चींटी कहीं उसे फिर न काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और वो माफी मांगने लगा। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाथी अपनी गलती समझ गया, वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी किसी को नहीं सताया। अब तुम समझी, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काबिल होते हैं। अपने हुनर पर घमंड मत करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब काबिल हैं और हम सबके अपने अपने हुनर हैं। हमेशा ये याद रखो कि चींटी की तरह छोटा भी हाथी को सबक सिखा सकता है। आप लोग जाओ, मैंने तुम्हें ये नहीं आ रहा, फिर मैं गई ले आऊंगा ना यार। आप लोग चलो, टाइम कम है ना अभी। मुझे माफ कर दो, हम कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे। चलो मोहम्मद जाओ बेटा, जाओ देख के आओ साथ में। अपने खौफ का मुकाबला कर सके, बहुत अच्छे। मुझे तुम सब पर बहुत नाज है। छोटी नहीं किसी की, उसकी वजह से लड़ रहे थे। नबरा, नबरा, इब्राहिम।